चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कहाँ प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये चंपारण बिहार में 1917 में। अगला है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? फैजपुर 1936, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेलूर में। अगला है, वहावी आंदोलन के प्रेरिता थे सैयद अहमद बरेली। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बारदौली की महिलाओं ने। अगला है, तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल विभाजन बंगाल किसान सभा ने। तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो याद रखिए, बंगाल किसान सभा ने। अगला है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो याद रखिए, बंबई में। अहमदाबाद आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? पंजाब में। क्या है, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। अगला, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। अगला है, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद वादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है, ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो याद रखिए, विंस्टन चर्चिल ने। अगला है, ठीक उस समय जब जन उत्साह है अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश दिया था, राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। अगला है, भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने के द्वारा की गई थी? तो याद रखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा, योजना द्वारा। अगला है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसको प्राप्त है? जॉर्ज यूल को। अगला है, 1928 में प्रथमवाद क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। अगला है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला है, किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीति पीड़ितों का दिन माना है? 18 अगस्त 1929 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें है, यह किसका कथन था? सैयद अहमद खान का। अगला, किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम। अगला है, सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? जमादार चिश्ती खान और एवं सूबेदार डोंडे खान। अगला है, मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। अगला है, प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
जवाहरलाल नेहरू की। अगला है, सशक्त क्रांति के संगठन के उद्देश्य हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अक्टूबर 1924 में। अगला है, 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम बिड़ला, महासचिव थे ठक्कर बाबा। अगला है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? 1938 में हरिपुरा, गुजरात में। अगला है, 1820 से 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विवियन डेरो जियो। अगला है, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशक्त विद्रोह की योजना बनाई थी? पंजाब में। अगला है, किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि एक सैनिक विद्रोह? तो याद रखे डिजराइली ने। अगला है, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया? तो याद रखे दिल्ली पर। अगला है, अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ? गिरफ्तारी के बाद, तो याद रखिए तात्या टोपे। अगला है, वहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद राय बरेली। अगला है, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। अगला है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। अगला है, सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कांग्रेस कलकत्ता। अगला है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और विपुल चाकी ने। अगला है, किस वायस राय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। अगला है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था? जाकिर हुसैन समिति ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? ओमाजी नायक के नेतृत्व में। अगला है, कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक किसने तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे? गोपाल हरि देशमुख। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले। अगला है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन की। अगला है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो याद रखिए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। अगला है, मदन लाल धींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की कूड़ सजाएं देने के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नाम की गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। अगला है, 1888 में इलाहाबाद की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था? जॉर्ज यूले। अगला है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राज्य है, यह कथन किसका था?
मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला है कम्युनल ट्राई एगिल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? डॉक्टर अशोक मेहता ने। अगला है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटू केशव दत्त। अगला है प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था थे डॉक्टर ये थे लाला हरदयाल। अगला है रेशमी पत्त षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। अगला है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर में। अगला है नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग से। अगला है दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरलु नायडू ने। अगला है भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। अगला है भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण।